नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए रूस में अधिक बैन लगाए। उनसे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर इतने प्रतिबंध नहीं लगाए थे। कमला हैरिस की बात करते हुए पुतिन ने आगे कहा कि वो बहुत खुलकर हंसती हैं। ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। अगर वो सब कुछ ठीक कर रही हैं तो वो ट्रंप की तरह रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगी, शायद वो इस चीज से बचेंगी। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सुझाव दिया है कि रूस ट्रंप को जीतना पसंद करेंगे, क्योंकि मुख्य कारण रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन पर उनका कम सहायक रुख है। पुतिन द्वारा हैरिस का हल्के फुल्के समर्थन से कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वो ईमानदार थे या बस चिढ़ा रहे थे। कुल मिलाकर पुतिन ने अमेरिकी इलेक्शन में खेल तो कर दिया है। पुतिन ने कमला हैरिस का समर्थन किया। इस पर ट्रंप ने कहा कि पुतिन आज सामने आए हैं, उन्होंने कमला का समर्थन किया है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरा अपमान हुआ है या उन्होंने मुझ पर कोई एहसान किया है। मुझे नहीं पता क्या मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है। इंडियन एक्सप्रेस को आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये खबर मिली है कि दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पा रही है और गठबंधन काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बता दें, आपसे गठबंधन की बात राहुल गांधी से पहले आई थी, क्योंकि आप और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। बीजेपी से इस्तीफा देने वालों की झड़ी लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति प्रांत को, स्टेट को लीड करना चाहता है। कौन लीड नहीं करना चाहेगा, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये फैसला पार्टी आलाकमान को करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सभी की इच्छा होती है, मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। वहीं आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सुरजेवाला ने कहा कि हम सभी नेताओं ने अपनी बात पार्टी आलाकमान को कह दी है कि हम उनके बिना भी सक्षम हैं, मजबूत हैं। अब ये पार्टी आलाकमान को तय करना है कि आगे क्या करना है, अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों पहलवान शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे। चुनाव से पहले दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। फोगाट और पुनिया को अपने साथ लाकर कांग्रेस जाट वोटों को मजबूत करने के अलावा महिलाओं, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच अपना समर्थन आधार बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देती हूं, क्योंकि ये बुरे टाइम में पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। मैं ऐसी विचारधारा के साथ जुड़कर खुश हूं जो महिलाओं के सम्मान में खड़ी होती है। विनेश ने कहा कि जिस मेहनत से हमने रेसलिंग में काम किया है वैसे ही हम यहां भी करेंगे। विनेश ने कहा कि जो हमने रेसलिंग में फेस किया, मैं चाहती हूं कि नए खिलाड़ियों को वो फेस ना करना पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उन्हें आज हिम्मत मिले। विनेश ने कहा कि रेसलिंग में हमने कभी हार नहीं मानी। अब जिस नए प्लेटफॉर्म पर हम आ रहे हैं वो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा, दिल से हम यहाँ काम करेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल ऐसा मत सोचना कि कोई साथ नहीं है। जब कोई साथ नहीं होगा तब भी मैं और कांग्रेस आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि जब हम महिला पहलवानों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो बीजेपी की आईटी सेल ने कहा कि इनका मकसद राजनीति करना है। हमने तो बीजेपी वालों को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। हमने किसान आंदोलन और अग्निवीरों के लिए काम किया था, उसी तरह हम जमीन पर काम करेंगे। हम ऐसे ही कांग्रेस से जुड़कर काम करते रहेंगे। बजरंग ने कहा कि विनेश जब ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी तो पूरा देश खुश था, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसको बाद पूरा देश दुखी हो गया था, लेकिन कुछ आईटी सेल जश्न मना रही थी, जो दुख की बात है। हरियाणा में बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम सैनी गुरुवार की रात पूर्व मंत्री करण देव कम्बोज के पास पहुंचे, लेकिन कम्बोज ने उनसे
हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सीएम सैनी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कंबोज बच जाते हैं और साइड में आकर बैठ गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने गुरुवार को बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। कर्णदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कंबोज ने कहा था कि मेरे समर्थक जो कहेंगे उसके अनुसार अगला फैसला लूंगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। इस बीच बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैनिफेस्टो को जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कभी भी आर्टिकल 370 और 35A वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला। वो गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। ओबीसी को भी रिजर्वेशन का लाभ मिला और आगे भी मिलता रहेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं पर सवाल उठाए। कश्मीर के गांदरबल सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका परसों सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया और कहा कि यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों, दरगाहों और दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वो भी बात हमसे छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में बीजेपी के हुकूमत में हर बार किसी को जलील करने की कोशिश की जा रही है, तो वो मुसलमान हैं। जब असम में सैलाब आता है तो कहा जाता है ये जिहादी सैलाब है, क्योंकि मकसद मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माँ बहनों को कहा जाता है कि हिजाब हटाओ, नकाब उतारो, तब फिर जाओ कॉलेज और स्कूलों के अंदर। हम जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना चाहते हैं जो यहाँ यूपी जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल देर रात लंदन के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। लंदन के बाद राहुल गांधी वहां से अमेरिका जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने भी एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के लिए जानकारी दी थी। राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी पीएम मोदी से पहले ही अमेरिका पहुंच गए हैं। वो इस दौरान भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। पीएम मोदी राहुल गांधी के दौरे से 2 हफ्ते बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। मोदी वहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेताओं, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से बड़े पैमाने पर आग्रह आ रहे हैं कि वो राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं। वो एक संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। बता दें, अमेरिका में प्रवासी भारतीय बहुत मजबूत लॉबी है। गांधी की यात्रा का उद्देश्य घरेलू स्तर पर समान प्रभाव प्राप्त करना और भारतीय प्रवासियों के समर्थन पर मोदी की मजबूत पकड़ को ढीला करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं। 1-2 साल का पुराना वीडियो भी वायरल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो लालू से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि वो वीडियो 2022 का है, लेकिन इस बीच नीतीश ने एक बार फिर दोहराया कि वो भविष्य में कभी राजद के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नीतीश ने कहा कि पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे क्या? हमसे गलती हुई 2 बार, हमने 2 बार उन लोगों का साथ दिया और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अच्छा काम किसी को प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है, लेकिन इसे हम आप नहीं बल्कि लोग इसका फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान घोषित नहीं कर सकता है, जनता किसी को उसके काम के आधार पर भगवान घोषित कर सकती है। भागवत ने कहा कि कोई यह नहीं कह रहा है कि हमें चमकना नहीं चाहिए या अलग नहीं दिखना चाहिए। काम के माध्यम से हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं ये दूसरों द्वारा तय किया जाएगा, ना कि हम स्वयं करेंगे। हमें ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। बता दें, भाजपा आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा है और भागवत का ये हमला सीधे पीएम मोदी पर माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने ही चुनाव के दौरान अपने आप को अवतार और नॉन बायोलॉजिकल जैसी चीजें कही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। गौतम ने कांग्रेस में शामिल होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।
उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक गाना गाते थे, इंसान से इंसान का हो भाईचारा यही पैगाम हमारा, लेकिन वो इसके आगे की लाइन नहीं गाते थे कि नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना हिस्सा। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल सामाजिक न्याय को लेकर गंभीर नहीं है, तो उनका जवाब था अगर वो गंभीर होते तो उन्होंने जो करीब 450 सीएम फेलो, डार्क फेलो और सलाहकारों की भर्ती की उसमें आरक्षण लागू करते। मैंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा एससी एसटी कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई वो बंद हो गई हैं, इस पर कोई भी गंभीर नहीं है। राजेंद्र गौतम ने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा दिया था इसने दिल को छू लिया। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने का उनका नजरिया ने मुझे प्रेरित किया है। हालांकि एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर वार्ता हो रही है, ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम के शामिल होने की खबर संभावित गठबंधन में असहजता का सबब भी बन सकती है। बीजेपी पिछले काफी चुनावों से कांग्रेस से आए नेताओं दल बदलुओं को टिकट देती रही है, जिससे बीजेपी के ही नेता अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने खुलकर विरोध किया है, इसके साथ ही इस्तीफों की भी झड़ी लग गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चन्नापुरा विधानसभा से कांग्रेस से दल बदल कर आए उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिसके बाद बीजेपी के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष और उनकी 40 की पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि हिलाल अहमद वानी जो कांग्रेस से जुड़े थे और कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल हुए थे उनको चुना गया है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को लिखे पत्र में इसके निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष अल्ताफ अहमद पंडित, निर्वाचन क्षेत्र सचिव मीर महराज, चन्नोपुरा के युवा अध्यक्ष सोहेल अहमद भट्ट, निर्वाचन क्षेत्र के उपाध्यक्ष परवेज अहमद और 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। पंडित ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हाँ, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं निर्वाचन क्षेत्र का अध्यक्ष था और पिछले 6 वर्षों से हमने पार्टी को अपना सब कुछ दिया। हमने एक टीम बनाई और हमारे प्रयासों की पार्टी नेतृत्व ने सराहना की, लेकिन अब उन्होंने हमें अंधेरे में रखते हुए किसी और को टिकट दे दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े रेप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। ये वीडियो कोयला फाटक इलाके का बताया जा रहा है। उज्जैन के कोयला फाटक इलाके में एक महिला के साथ रेप का वीडियो वायरल है। ये वीडियो दोपहर का है। सड़क पर खुले आसमान के नीचे महिला के साथ युवक द्वारा रेप किया जा रहा है। लोग महिला की मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गिरती हुई प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जुबानी हमला किया। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। खबर चली कि बाकी लोगों के पैर को छूते हुए गोली निकाली गई और मुख्य आरोपी को सरेंडर करवाया गया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। अखिलेश ने इसे नकली एनकाउंटर कहा और बताया कि कैसे जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। मंगेश यादव पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी था, जिससे एनकाउंटर के बाद खबर बनी कि 1,00,000 का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। अब उसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। दरअसल मंगेश पर घोषित हुए इनाम की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले 2 सितंबर को मंगेश यादव के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ, फिर 2 दिन बाद 4 सितंबर को ही एडीजी जोन लखनऊ SB शिरोडकर के यहां से कुल 10 बदमाशों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ, जिनमें मंगेश का भी नाम शामिल था। और फिर अगले दिन 5 सितंबर की सुबह SDF ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। खबर बनी 1,00,000 का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। 2 दिन में 1,00,000 का इनामी बदमाश बना दिया गया। वहीं मृतक मंगेश की मां शीला देवी ने बताया कि पुलिस वाले मंगेश को पूछताछ के लिए लेकर गए थे और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। वहीं गांव के ही धनंजय यादव ने कहा कि इस मामले में जाति विशेष के कारण मंगेश की हत्या कर दी गई, अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एनकाउंटर करना चाहिए था तो सभी व्यक्तियों का एनकाउंटर करना चाहिए था। मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपद्रवियों ने विष्णुपुर जिले में रॉकेट से हमला किया है। इस घटना में 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक 1 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चुराचांदपुर जिले के नजदीक ऊंचे पहाड़ी इलाकों से ट्रोंगला ओबी के निचले आवासीय इलाके की तरफ रॉकेट दागे गए हैं। ट्रोंगला ओबी राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर है।
दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें अमानतुल्ला खान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हिरासत में है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय गड़बड़ी की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज की तारीख टल गई है, इसकी जानकारी कंगना ने खुद दी है। कंगना ने कहा है कि भारी मन से मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। हम सेंसर बोर्ड से मंजूरी का अब भी इंतजार कर रहे हैं। रिलीज की नई तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। धैर्य बनाए रखने के लिए शुक्रिया। बता दें हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना ने दो दिन पहले एक पोस्ट में बिना किसी के नाम लिए कहा कि मुझे हर कोई टारगेट कर रहा है। राहुल द्रविड़ आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच होंगे। राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स की नई रणनीति बनाने में राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर कुमार संगकारा के साथ मिलकर काम करेंगे। द्रविड़ 2011 से 2015 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ 5 सीजन में काम कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने पुरुषों के हाई जंप T64 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के हिस्से में ये छठा गोल्ड है। प्रवीण कुमार के पदक के साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या 26 हो गई है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।